ओम शांति। गीत के शब्द सुने हैं क्या आपने अभी? कितनी अच्छी शुभकामनाएं अपने लिए रखी हैं, नैनों से क्या चमकता रहे, हमसे संसार रोशन होता रहे, हमसे बाबा ही दिखाई देता रहे, ये अपने लिए शुभकामनाएं हैं। बाबा हम सभी को रोज रोज स्वमान की याद दिलाते हैं, जानते हैं ना सभी, पीछे मुरली में बहुत अच्छे 3 शब्द आए थे, हम उन पे ही चर्चा करते हैं। तुम हो हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, हिंदी में हाईएस्ट माना बहुत महान आत्माएं हो, होलीएस्ट माना बहुत पावन, और रिचेस्ट संसार में सबसे अधिक धनवान। सीख लिया माताओं ने अंग्रेजी है? बोलो, हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट। इतनी अंग्रेजी तो सीख लेनी चाहिए। आपके बच्चे खुश होंगे कि मम्मी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आई है, इंग्लिश मीडियम में। आजकल इंग्लिश मीडियम का महत्व है ना। हम सभी हाईएस्ट आत्माएं हैं, संसार में सबसे महान। अब हमें सोचना है, जितनी ऊंची नज़र से बाबा हमें देख रहा है, क्या हम भी अपने को वैसा ही समझते हैं, या वो तो कह रहा है तुम बहुत होली हो, होलीएस्ट, जिसमें ये लग जाता ना ईएसटी, होलीएस्ट माना सबसे ज्यादा, हाईएस्ट, हाई माना महान, हाईएस्ट सबसे महान, रिच माना धनवान, रिचेस्ट सबसे धनवान संसार में। तो क्या हम भी अपने को वैसा ही मानते हैं? अब पहली बात, हम बहुत महान हैं, हैं या नहीं? कौन कौन महान बैठे हैं यहाँ? इतनी महान आत्माएं, वाह, ऐसी तो कोई सभा संसार में होगी नहीं जहाँ पूरे हॉल में बैठने वाले कहें हम महान आत्माएं हैं। ये अभिमान नहीं, ये स्वमान है। कई लोग अभिमान और स्वमान के अंतर को जानते नहीं हैं। हिंदी में, इतिहास में इसी शब्द को थोड़ा दूसरे ढंग से यूज किया गया, स्वाभिमान। भाई महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने झुकने से मना कर दिया, इसको स्वाभिमान कहते हैं। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, अलौकिक भाषा में स्वमान। हम भी माया के आगे झुकेंगे नहीं, ये अभिमान नहीं है, ये हमारा स्वमान है। तो हम सभी महान आत्माएं हैं, ले चलो अपने अंदर। महान आत्माएं इस संसार की ब्यूटी हैं। किसी एक शहर में, नगर में एक भी महान व्यक्ति हो तो उस शहर का नाम उस महान व्यक्ति के कारण प्रसिद्ध रहता है, रहता है या नहीं? ये आबू छोटा सा गांव था, जब हम लोग यहाँ आए हमने देखा एक गांव, सड़कें भी नहीं। ये जो रास्ता है ना यहाँ से ढलान तक, दोनों ओर झाड़ियाँ, इस टाइम तो जा ही नहीं सकते थे, डर लगता था, लाइट नहीं, भालू, सांप बहुत ज़्यादा। इस आबू का नाम रोशन हो गया, किसके कारण? बाबा के कारण। संसार में रोशन हो गया माउंट आबू। तो एक एक महान व्यक्ति अपने सिटी को, अपने गांव को, अपने शहर को प्रसिद्ध कर देता है। हम सभी महान आत्माएं हैं, इस सारी सृष्टि की शोभा है।
हमें अपनी महानताओं को स्वीकार करना है। अब मेरे साथ साथ सोचें सभी, हमने देव कुल में कितने जन्म बिताए? 21 जन्म। 2500 साल तक हम देवी देवता थे, छोटी बात नहीं है। 2500 साल, 2500 साल का तो भारत में इतिहास ही है, पीछे का वो भी छुपा छुपाया, कुछ सच कुछ झूठ, कुछ पिछले लिखने वालों ने गड़बड़ कर दी, कुछ राजाओं ने बादशाहों ने मिटा दिया, कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने जला दिया। हमारी जो यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, जो लाहौर की तरफ थी और नालंदा पटना में, दोनों को कई बार जलाया गया। अब तब प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं कि फटाफट दूसरा प्रिंट कर लो, हाथ से लिख के रखे जाते थे। अब फिर कुछ का कुछ लिखा गया। देखो स्कूल में बच्चों पर भी एक प्रयोग कराते हैं, मैंने सुना आजकल कहीं कहीं, और दूसरी जगह भी कराते हैं कि एक बच्चे के कान में 1 मिनट की एक कहानी सुना दी कि दूसरे को सुनाओ। अब उसने दूसरे को सुना दी, अंतर पट जाएगा या नहीं? थोड़ा सा पट जाएगा, चलो 5% मान लो, ज़्यादा नहीं। उसने तीसरे को सुनाई और अंतर पट जाएगा, और अगर वो शोक तक पहुँचे तो असली कहानी खत्म हो जाएगी, कहीं कुछ सुनाया था। ये जो वेद और शास्त्र हैं, इनके जो मंत्र हैं, जो कुछ उसमें लिखा हुआ, उनको ऋचाएं कहते हैं। श्रुति, श्रुति माना जो सुनी गई थी। अब एक ऋषि ने अपने 4 शिष्यों को सुनाई, उन 4 शिष्यों ने अपने 50 शिष्यों को सुनाई, उन 50 शिष्यों ने अपने 500 शिष्य ऋषियों को सुनाई, और ये श्रुतियाँ चलती आई। तो गड़बड़ हुई होगी या नहीं? फिर हाथ से लिख के रखे ग्रंथ वो जला दिए विदेशी आक्रमणकारियों ने, मुस्लिम आक्रमणकारी है, उनका तो पहला ही काम होता था संस्कृति को, साहित्य को, इनकी विद्वत्ता को नष्ट कर देना। इसलिए गड़बड़ बहुत हो गई। तो हम 2 युग देवता रहे, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया। वेद जिनकी बहुत चर्चा करते हैं, वेदों को विद्या माना जाता है, वेद विद्या, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, उसमें देवताओं की पूजा का विधि विधान है, लेकिन हम ही देवता थे? कहीं नहीं, बल्कि क्या कह दिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब इतने सारे ब्रह्म, गड़बड़ हो गई ना, ब्रह्म पापी बन गए सारे, विषय विकारी बन गए, बनेंगे? मैं पूछा करता था जब हम छोटे थे, सन्यासियों से बहुत डिबेट करते थे कि ये ब्रह्म का, ब्रह्म को अज्ञान हो गया। मैंने कहा सोच के तो बोलो क्या बोल रहे हो, ब्रह्म को अज्ञान, ब्रह्म माना भगवान, भगवान को अज्ञान होता है क्या कभी, मानेगा कोई? पर अपनी बात पे अड़े रहते, नहीं यही सत्य है, शास्त्र कहते हैं, वेदों में लिखा है, शिवो है, मैं शिव, ये तो लिख दिया, लेकिन हम देवता थे ये कहीं चर्चा नहीं है। अब ये चर्चा, ये स्मृतियाँ स्वयं भगवान ने आकर हमें दिलाई। मैं आपको ये बात इसलिए सुना रहा हूँ तो हमारे अंदर 2500 वर्षों का देवत्व समाया हुआ है। देवत्व में क्या क्या होता है? सारे गुण, संपूर्ण पवित्रता, सारी शक्तियाँ, सारी मर्यादाएँ, संपूर्ण विवेक, श्रेष्ठ बुद्धि, महान विचार, ये सब हमारे अंदर अभी भी हैं। बाबा ने जैसे याद दिलाया तुम देवता थे, रोज मुरली में आता है लगभग, एक दिन छोड़ के तो आ ही जाता है, बच्चे तुम देवता थे। उस दिन मुझे बाबा का एक शब्द बहुत सुंदर लगा, एक छोटी सी लाइन,
सब तो उनको कैच नहीं कर पाते, बच्चे मुझसे अपनी राजाई लो, सीधा बोल रहा है भगवान, मुझसे अपनी राजाई लो। तो बाबा ने जैसे याद दिलाया तुम देवता थे, विश्व पर राज करते थे, आता है ना रोज, जिनको याद आ जाए उनका बेड़ा पार। याद आते ही वही संस्कार जागृत हो जाएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूँ, पहले बहुत देता था, अभी आप सुन लें उसको। मान लो माताएं बहुत बैठी हैं, माताओं को बता दिया जाए, कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी बता दे कि तुम वही हो। कौन? देवता नहीं, झांसी की रानी। 3 जन्म पहले तुम ही तो झांसी की रानी थी, उसी के लिए कहा गया था, एक नारी सब पर भारी, सब पे भारी पड़ गई थी, तुम ही थी वो। तो क्या होगा सुनते ही? है? वो सब शक्तियां, निर्भयता जागृत होने लगेगी। बस ये चीज और पहले चलो, तुम देवता थे 80 जन्म पहले, 75 जन्म पहले, जब तुम इस सृष्टि में आए तो तुम देवता थे, बस याद आने की बात है, क्योंकि वो इतिहास पुराना हो चुका है, हम भूल गए हैं। लेकिन याद दिलाने वाला कौन है? स्वयं भगवान त्रिकालदर्शी, ज्ञान का सागर, हमें उसमें संपूर्ण विश्वास है कि वो जो कुछ हमें कह रहा है वो परम सत्य है। तो याद किया करें। तो जिन्होंने 2500 वर्ष देव स्वरूप में 21 जन्म बिताए, वो बहुत महान है। सोचो कैसे कैसे हम महान हैं, ताकि हमारा अंतर्मन उसे स्वीकार कर ले। हम ये ना सोचे बाबा ने कह दिया तुम महान हो, चलो हम मान लेते हैं हम महान हैं, ये नहीं। स्वयं भगवान इस धरा पर आए, किसने उन्हें पहचाना? हम बच्चे क्यों कहते हो? हमने बोलो कौन कौन, किसने किसने पहचाना? तो महान हुए या नहीं? महामंडलेश्वरों ने पहचाना? बिरला टाटा ने पहचाना? मंत्रियों ने पहचाना? किसने पहचाना? तो महान हो गए ना। और सोचो, स्वयं भगवान ने हमें चुना, कितनों में से? करोड़ों में से एक एक को चुना, तो महान हो गए या नहीं? बहुत भाग्यवान जिन पर भगवान की नजर पड़ गई, जब उसने नीचे देखा होगा, देखा होगा नहीं कौन कौन है मेरे, सोचो जरा, सोच के देखो कितना मजा आएगा। कहाँ कहाँ से आई माताएं, आप कहाँ से हो? ग्वालियर। अब ग्वालियर की ओर देखा होगा, झांसी की रानी वहां भी गई थी, तो किस पर देखा होगा आपको, ये है मेरी अनमोल रतन, चुन लिया। ग्वालियर में तो कितने लाख लोग रहते हैं, थोड़ो सो को चुना, तो महान हुए या नहीं? स्वीकार कर लो हम बहुत महान हैं, और उसने हमें अपने कार्यों में लगा लिया। बाबा आजकल में एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं और हम सब उसको जानते हैं। देखो बच्चे, आपके घरों में भी, किसी किसी के घरों में बच्चे IAS का आजकल एग्जाम देते हैं। IAS माना जो कलेक्टर आदि बनते हैं ना, सबसे बड़ी नौकरियां जिनको मिलती हैं। कोई डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा देते हैं, जब परीक्षा देते ही है ना, तो नशा चढ़ जाता है, डॉक्टर बनूंगा, मेरे पास कन्याएं आती हैं, 3-3 बार दिया असफल हो गए, मेरे तो सारे सपने चकनाचूर हो गए, मैं तो स्वप्न देखती थी डॉक्टर बनूंगी, ये करूंगी ये करूंगी। पहले से ही नशा चढ़ जाता है या नहीं? अभी एंट्रेंस दे रहे हैं, प्रवेश परीक्षा, तो ही नशा चढ़ जाता है, कलेक्टर बनूंगा, DM, फिर कमिश्नर बनूंगा। हम क्या बनेंगे? अरे देवता तो छोटी चीज हो गई, अब थोड़ी बड़ी चीज बताओ।
राजाओं के राजा विश्व महाराजन, हमें भी नशा चढ़ना चाहिए। आज था या कल बोली में तुम्हारी पढ़ाई इतनी उच्च है कि इस पढ़ाई से तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हें ये नशा होना चाहिए। तो हम महान हुए या नहीं, या कोई और है? कौन कौन बैठे हैं फिर हाथ उठाओ। अब हाथ उठाने में तो ताकत लगी मुझे, क्या नशे से हाथ उठा है। इस नशे का अभ्यास करने से, स्वमान का अभ्यास करने से एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे, जो संसार की बहुत बड़ी समस्या है। और हमने इस स्वमान का एक अभ्यास बहुतों से करा दिया, 1000 लोगों से तो कराया होगा जिनको नींद नहीं आती, कि रात को 108 बार लिखो मैं एक महान आत्मा हूँ। कई तो 5-7 दिन के बाद लिखते लिखते ही सो गए, पेन और डायरी कहाँ पड़ी पता ही नहीं उन्हें, क्योंकि इससे बहुत पवित्र वाइब्रेशंस ब्रेन को जाने लगे, ब्रेन शांत हो गया। तो एक एक संकल्प में, स्वमान के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है, शक्ति पैदा होती है संकल्पों से। जितना श्रेष्ठ संकल्प उतनी ही अच्छी पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी पैदा होती है। तो चिंतन करेंगे मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ, तो मेरे कर्म महान होने चाहिए, मेरा व्यवहार, मेरी दृष्टि, मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरी महानता के अनुरूप होने चाहिए। ये चिंतन हमें महान बना देगा। तो स्मृति से स्थिति बनती है, याद है ना बाबा के मावाक, इसे अपने अंदर नोट रखो, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बोलो सभी, जैसी स्मृति, पक्का कर दो इस जीवन में इसको। स्थिति श्रेष्ठ बनाने का सरल तरीका, श्रेष्ठ स्मृति, मैं एक महान आत्मा हूँ। हमें कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं क्योंकि हम हैं, बस केवल हमें अभ्यास करने हैं। इसको भी साधना कहेंगे, तपस्या कहेंगे। दूसरा स्वमान, हम होलीएस्ट हैं, परम पवित्र। फिर वही बात, हम देवी देवता थे, संपूर्ण निर्विकारी। और क्या थे? और चिंतन करो, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, देवियां कितनी पवित्र हैं, वहां जाते ही उनके दर्शन करते ही चित शांत हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। पापी लोग अपने पाप को स्वीकार करने लगते हैं। वैसे नहीं कहेंगे हम पापी हैं, देवी के आगे जाते ही, हे देवी मैं बहुत पापी हूँ। कौन है वो बोला ही नहीं जा रहा, देवियों से देवियां ठंडी हो गई हैं। कौन है वो क्यों नहीं बोल रहे, पता नहीं हम हैं या पुजारी हैं। लाओ इस स्वमान को अपने अंदर, हम इस देव देवियां हैं जिनके द्वारा भक्ति में सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती रही, जिनके दर्शनों से सभी के विघ्न नष्ट होते रहे, जिनके द्वारा सभी को सिद्धियां और वरदान प्राप्त होते रहे, वो हम हैं। मुझे बाबा की एक लाइन बहुत अच्छी लगी, वो बहुत सुंदर महावाक्य है, तुम तो विजयमाला के ऐसे मणके हो जिनको स्मरण करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। तुम्हारे पास समस्याएं कहाँ ठहरेंगी, लेकिन इन पावरफुल स्मृतियों की जरूरत है। हम भूले रहते हैं अपने को, तो छोटी बात हमें भारी कर देती हैं, समस्या बना देती हैं। तो जितना याद करेंगे मैं निर्विकारी हूँ, पवित्र, इस देवी देव कुल की पवित्र आत्मा, भगवान की संतान,
भगवान किन्हें प्यार करता है? जो बहुत पवित्र हैं, ऐसो वैसो को प्यार नहीं करता वो। हमें बहुत प्यार किया है उसने, किया है या नहीं किया है? माताओं को ज़्यादा है भाइयों को? देखो माताएं खुद बोल रही, माताओं को। चलो भाई, भाई लोग ताली बजा दो माताओं के लिए। जो निर्मल हैं, जो सच्चे हैं, जो साफ दिल हैं, जिनके अंदर कोई चालाकी नहीं, भगवान के वो प्यारे हैं। और जो चालाकी करते हैं, सब जानते हैं इन बातों को, जिनके अंदर सफाई नहीं है, जो करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, होते कुछ हैं, उनकी ओर भगवान देखता नहीं है। तो हम सभी होलीएस्ट, होली आत्माएं, पवित्र आत्माएं इस संसार का आधार होती हैं। आधार, उनकी उपस्थिति प्रकृति को भी बल देती है। हमारी होली स्थिति, हमारी पवित्र स्थिति प्रकृति के लिए बहुत बड़ा जैसे टॉनिक है। प्रकृति को सत्वप्रधान बनाने वाली ये स्थिति है। तो अपने को इस स्वमान में रखना है। और मैं एक बहुत अच्छा अभ्यास दे रहा हूँ सभी को। हम होलीएस्ट हैं, आपको इससे अपनी पवित्रता बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। जिसको भी हम देखें, उस आत्मा को हमसे पवित्र वाइब्रेशंस मिलें। अभ्यास कर लेना, कम से कम 5 बार तो कर देना दिन में। जिसे देखें उसको पवित्र वाइब्रेशंस पहुंच जाएं। आप अपने घरों में भी ऐसे पवित्र वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। क्लियर है ना? बस इस स्वमान में स्थित हो जाओ, मैं होलीएस्ट आत्मा हूँ, परम पवित्र। सीधी भाषा, मैं परम पवित्र हूँ। मेरे मस्तक से, नैनों से पवित्र किरणें फैल रही हैं घर में। बहुत अच्छा हो जाएगा। रोज़ रोज़ करेंगे ना 5-5 मिनट भी, आपके घर में सुख शांति रहेगी। जो घरों में लड़ाई झगड़ा होता है ना, कभी संपत्ति पर, कभी किसी के और कारणों से, वो भी सब ठीक हो जाएगा। एक चीज़ मुझे और कहनी है। अब सभी को अपने को शांत रखते हुए बहुत अच्छी स्थिति में रखना है। खेल कर्मों का सबके सामने आ रहा है और वो पूरा हो रहा है, विदाई ले रहा है। 2 केस मेरे पास ऐसे आए कल परसों ही। मैं उस माता को कहा, तुम तो बहुत बहादुर हो, सचमुच बहादुर, जिसके 3 बच्चे, तीनों विकलांग। विकलांग समझते हैं ना, ब्रेन भी नहीं, हाथ पैर नहीं, और बड़े हो गए। सबसे बड़ा 38 साल का, 30 साल से ऊपर ऊपर। उन्हें संभालना तीनों को, घर का काम काज करना। उसकी टीचर आई थी, बता रही थी घर में मेहमान आए, ये सारा काम कर लेती है। पति कोई ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान अपने बिजनेस पे है कि तुम संभालो। वो तो कहते थे तुम्हारे बच्चे हैं ना, तुमने पैदा किए, मैं क्या करूँ, तुम संभालो। मैंने कहा पैसा देता है ना तुम्हें? हाँ। उसकी कोई कमी नहीं है, कि ये भी अच्छी बात है, नहीं तो कई लोग पैसा भी नहीं देते ना माताओं को। तो देखो कितनी बड़ी समस्या, लेकिन मैंने भी उसको हल्का किया। अब आपका योग इसी में होगा कि इनको एनर्जी दो, और इनकी सेवा ही आपका पुण्य है, और कुछ ज़्यादा नहीं सोचो। नहीं तो माताएं अपने बच्चों को देख देख के फिर दुखी होती रहती है ना, मेरे भाग में यही थे सब, जन्म देते ही उनकी सेवा में लगना पड़ा, कोई खुशी नहीं हुई। तो योग अपना बहुत अच्छा रखना है सबको, बहुत ध्यान देंगे। अब सबके जो कर्मों का खेल है, वो अब कर्म जागृत हो रहे हैं, वो विदाई लेंगे, थोड़ा भारी पड़ेगा। अगले जो वर्ष हैं वो बहुतों को भारी पड़ेंगे, लेकिन अगर हम बहुत अच्छा योग अभ्यास करेंगे, अपने मन को हल्का रखना सीख लेंगे, तो भारी नहीं पड़ेंगे। तीसरा स्वमान कौन सा दिया? माताओं से बुलवाएंगे। रिचेस्ट, बहुत धनवान। सीख ली ना हिंदी?
आम भाषा में कहते हैं ना, ये व्यक्ति बड़ा रिच है, उसको ही रिचेस्ट, और ज़्यादा धनवान। कौन से खजाने हैं आपके पास? क्योंकि कैसे माना जाए कि हम बहुत धनवान हैं? अब ये नशा उनको तो नहीं चढ़ेगा जो गरीब हैं, या चढ़ेगा? माताएं देख रही मुझे गरीब थोड़ी, चढ़ता है नशा? बस ये भूलना पड़ेगा कि हम गरीब हैं, भूलना पड़ेगा। भूलेंगे? ये नहीं बाबा हमारे पास तो पैसे ही नहीं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ये नहीं। ये नहीं बीमारी आ गई बाबा पैसे ही नहीं हैं क्या करें, ये नहीं। सबसे बड़ा धन कौन सा है उससे भी बड़ा बता दो कुछ। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला, स्वयं भगवान। सबसे बड़ा धन है ना, हमारे पास आ गया है। ज्ञान तो उसने दिया, दूसरा खजाना पहला भी कह सकते हैं, लेकिन स्वयं भगवान ही हमारे पास आ गया। एक बहन का ऑपरेशन हुआ, अभी अभी की बात है, एक हफ्ते की, 10 लाख खर्च हो गए कैंसर पे। अब इतना तो होता नहीं, किसी ने उसको कहा कि जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। किसकी मदद हुई है? ये बाबा कराता है। इसलिए अगर हमें शिव बाबा में विश्वास रहेगा, अगर हम उसके भरोसे जीते होंगे, तो हमें ये कहीं सोचना ही नहीं पड़ेगा कि पैसा आएगा कहाँ से। जिसका बाप ही स्वयं भगवान हो, उसको कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। हमारे पास एक भाई है, सेवा में है, कुछ अच्छे परिवार का है, लेकिन बच्चों ने गड़बड़ कर दी। करते हैं ना आजकल बच्चे, जिनसे बहुत मोह रहता है, उसने सारी संपत्ति उसको लेके निकाल दिया। ज्ञान में है, मैंने कहा आ जाओ तुम सेवा करो यहाँ, कोई बात नहीं। पहले तो बेचारे का मन बहुत उदास था, अब 2-4 दिन में खुश हो गया, बहुत खुश रहता है। कहा मैं ऐसे सर्विस करता हूँ, कोई पूछता है तुम खुश कैसे रहते हो, मैं कहता हूँ अरे मेरा बाप ही भगवान है। अब बस वहाँ से ज्ञान शुरू हो जाता, क्या बात करते हो भाई, तुम्हारा बाप भगवान? वो सोचते हैं इसका बाप तुलसी राम भगवान कैसे हो सकता है। वो फिर बताता तुलसी राम नहीं, उसका भी बाप। ज्ञान शुरू हो जाता है, नशे की बात ऐसी है। तो मैं उसको समझाया, हल्का किया कि बच्चों में ऐसे तो तुम्हारा मोह छूटने वाला नहीं था, उन्होंने ही छुड़ा दिया। तो बहुत बड़ा धन है हमारे पास बाबा, और फिर शुरू करो ज्ञान धन, पवित्रता का धन। बोलते जाओ भाई, बोलो, ठहरो। सुख शांति भी बहुत बड़ा धन है। एक चीज बोलो जो आपको याद नहीं आ रही, दुआओं का भी है, खुशी का खजाना, जो बहुत बड़ा खजाना है। बहुत लोग धन होते भी खुश नहीं है, शांति नहीं है। मान लो धन बहुत है, 4 बच्चे हैं और चारों लड़ रहे हों, लज्जा भी आती है, समाज क्या कहता होगा, और घर में मज़ा भी नहीं आता कि इतना धन होते हुए, अच्छे मकान, अच्छा भोजन, सब कुछ अच्छा होते हुए भी खुशी नहीं है घर में। तो धन से भी बड़ा खजाना हो गया खुशी, शांति, प्रेम, गुण। गुण बहुत बड़े खजाने हैं, सब जानते हैं। प्रेम न हो, बहुत हो रहा आजकल तो, कॉमन हो गया है डिवोर्स, तलाक। आज भी कोई आए, 7 साल हुए शादी हुए, अब तलाक हो गया है। कैसा हो जाता है जीवन उसके बाद, कितने 2-4-5 परिवार दुखी हो जाते हैं। और जिसका होता है लड़की का खास, उसका जीवन तो बहुत खराब हो जाता है। आप सब माताएं ज़्यादा जानती हो, मैं तो समझ सकता हूँ दूसरे लोग भी उसे क्या क्या बोलते होंगे, भाई भाभी क्या क्या बोलेंगे,
माँ को संभालना पड़ता है, बाप को भी सुनना पड़ता है, कोई कहेगा तुम ही ऐसी हो, कितना भारी लगता है। चाहे वो ऐसी ना हो, दूसरे पक्ष का दोष हो, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ना। तो जहाँ प्रेम नहीं है, अच्छे अच्छे घरों के, करोड़पति घरों के डिवोर्स, धन बेकार, प्यार के बिना धन किसी काम का नहीं। इसलिए प्यार बहुत बड़ा खजाना है। है या नहीं भाई लोग, बताओ है? इसलिए अपने अपने घरों में छोटी मोटी बातों से ऊपर उठकर प्यार और खुशी, सुख और शांति, इसको छोड़ना नहीं है। पैसा तो आएगा और जाएगा, और अब तो सबका जाएगा ही, आने के द्वार बंद हो जाएंगे, अब सबका जाएगा। बाबा ने आज कह दिया, बाबा भी नहीं लेंगे, बाबा भी नहीं लेंगे। कोई कहे जा रहा तो इधर डाल दो, बाबा कहेगा तुम्हें देना पड़ेगा, मैं तुम्हारा कर्जदार क्यों बनूं? आज कहा ना कर्जदार हूं तुम्हारा। तो ये हमारे अलौकिक खजाने, हमारे सुंदर विचार, महान विचार, हमारा सबसे श्रेष्ठ खजाना, दुआएं बहुत बड़ा खजाना। जहाँ सब खजाने फेल हो जाते हैं, वहाँ मनुष्य को मदद होती है दुआओं की, सब ठीक हो जाता है। दुआएं देनी भी हैं और लेनी भी हैं। देंगे श्रेष्ठ संकल्पों से, लेंगे श्रेष्ठ कर्मों से। दूसरों को सुख देकर, दूसरों की सेवा करके, हम तो साक्षी होकर देखते रहते हैं संगठनों में, जिनके साथ दुआएं बहुत हैं, उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां भी सहज पार, पहले तो आती ही नहीं, आ गई तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कुछ आ गया गई। और जिनके साथ दुआएं नहीं होती, उनकी छोटी सी बीमारी भी महारोग बन जाता है। तो हम सभी अपने जीवन को इस ढंग से जिएं कि हमें सबकी दुआएं मिलती रहें। माताएं तो दुआएं देती बहुत हैं, सबको देती हैं या अपने अपने बच्चों को देती हैं? हाँ, अब सारे संसार को दिया करो। और मैं एक सरल विधि, पीछे मैं शायद यहाँ बताया हूँ क्लास में, एक सरल विधि सभी अपनाएंगे, और वो विधि अपना कर आप देखो, आज ही करना सोने से पहले, कल सवेरे करना, और देखना अपने को कितना सुख मिलता है। जो भक्ति में हम गायन करते रहे ना संस्कृत के मंत्रों में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, चार पांच चीजें हैं ये। आप शांत में बैठना, आज ही करना सोने से पहले, मैं पूर्वज हूँ, इष्ट देवी हूँ, संसार की सभी आत्माएं सुखी हो जाएं, सभी का कल्याण हो, सभी निरोग हों, सभी निर्भय हो जाएं, सभी के परिवारों में सुख शांति व्याप्त हो, सभी का देवत्व जागृत हो, सभी अपने परम पिता को पहचान कर उससे मिलन का सुख प्राप्त करें, सभी का चित्त निर्मल हो। कितना मजा आएगा, तीन बार कर देना, आपको लगेगा चित्त एकाग्र हो गया, शांत हो गया। ये दुआएं संसार को, हम जब छोटे थे तो ये मंत्र आर्य समाज में थे तो बहुत पढ़ते थे, वहां हम सोचते थे इनके कहने से सब सुखी हो जाएंगे, ऐसे ही बोल रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसे इनके बोलने से सब सुखी हो जाएंगे, उनके बोलने से तो नहीं होंगे। पर अगर इस देवी बोलने लगे होंगे या नहीं? अगर पवित्र आत्माएं संकल्प करने लगे तो बहुत गहरा प्रभाव होगा। इसलिए बाबा पिछली बार कह गए, तुम्हारे अंदर शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं भी नेचुरल हो जाएं। नेचुरल समझते ना, हमारी नेचर बन जाए, हम किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते।
सकते, ऐसी स्थिति बन जाए। जो हमसे शत्रुता रखते हैं उनको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, संकल्प करेंगे तो ये दुआएं जितनी जितनी हम देंगे हमें बहुत सुखद फीलिंग होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। करके देखना आज रात को सोने से पहले और कल उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके, लेकिन दो स्वान के साथ, मैं इस देवी हूँ और पूर्वज हूँ, याद रहेगा, बोलो सभी, मैं पूर्वज हूँ। जब हम ये संकल्प करते हैं मैं पूर्वज हूँ, देखो क्या होता है, तो हम संसार की अनेक आत्माओं से जुड़ गए, सब धर्मों के पूर्वज है ना, सब से जुड़ गए और हमारे मन के वाइब्रेशंस सबको पहुँचने लगेंगे। जब आप इस स्वमान में आ जाएंगे, मैं इस देवी हूँ, तो आप अपने भक्तों से जुड़ गए, आपके वाइब्रेशंस, आपके संकल्प आपके सभी भक्तों तक पहुँचने लगेंगे। तो बहुत सुंदर ये सरल तरीका है हमारे पास दुआएं देने का, और हमें अनुभव होगा जो दुआएं हम दूसरों को दे रहे हैं वो लौटकर हमारे पास आ रही हैं, बहुत ही सुंदर अनुभूति होगी। तो हम हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट हैं। जिन माताओं को अंग्रेजी नहीं आती वो सीख लेना है तीनों सब, भगवान भी तो अंग्रेजी बोलता है ना आजकल, कहाँ सीखी उसने, कहाँ सीखी थी। जिसके तन में वो आते हैं उनकी जो भाषा है वो उनकी भाषा बन जाती है, क्योंकि भाषा का संबंध ब्रेन से होता है। देखो यहाँ भी किसी ने गुजराती घर में जन्म लिया हो तो जो उसको बचपन से सिखाएंगे ना तो ब्रेन में थी नहीं, ब्रेन में केवल वाइब्रेशंस होते हैं, जो भाषा सिखाने लगेंगे वही वाइब्रेशंस ग्रहण करने लगेंगे। कई लोग पूछते थे कि हम बाबा से रूरिहान करते हैं, अब हम अंग्रेजी में कर रहे हैं, चलो अंग्रेजी तो थोड़ी बहुत आती हो, हम फ्रेंच में कर रहे हैं, हम चाइनीज में कर रहे हैं, हम तमिल में कर रहे हैं, हम तेलुगु में बोल रहे हैं, भगवान तो ये भाषा समझेगा नहीं, फिर उत्तर कैसे आएगा। ये खेल वाइब्रेशंस का है। देखो हमने संकल्प किया बाबा बहुत स्वीट हो, तो यहाँ से वाइब्रेशंस चलेंगे ऊपर, बाबा के पास पहुँचे और वो वाइब्रेशंस बाबा की भाषा में चेंज हो गए। उधर से बाबा ने संकल्प किया मीठे बच्चे, वो वाइब्रेशंस हमको आए और हमारी जो भाषा है तमिल है तो तमिल में ट्रांसलेट हो गया। ये गति चलती है, तो हम स्वमान में रहेंगे और महान बनेंगे। ओम शांति।